अस्सलाम वालेकुम माय टिप की फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लजीज पकवान में बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसी रेसिपी जो हेल्दी भी है और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पालक चिकन की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग बनकर तैयार होती है। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पालक। 1 किलो पालक का इस्तेमाल किया है, उसे अच्छे से कट कर लिया था, अच्छे से धो लिया था, पालक में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो अच्छे से वॉश कर लिया था। 1/2 किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में शामिल कर लिया 1/2 कप ऑयल, कुछ खड़े मसाले, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 मैंने यहाँ पर लौंगे ली थी, इन्हें यहाँ इसमें शामिल कर लेंगे और इन्हें हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल कर लेंगे और प्याज को हमें कोई डार्क कलर नहीं देना है, बस हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे इतना कि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो इतने यहाँ पर अच्छे से हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है, यहाँ पर हम एक मसाला बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही ली थी, 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक यहाँ पर पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे एक साइड कर देंगे। अब चलेंगे प्याज की तरफ। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई थी, फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया बोनलेस चिकन, और बोनलेस चिकन मैंने लिया था और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। ज़्यादा बारीक कीमा नहीं करना है, बस हल्के से मैंने इस तरह से इसके चंक्स बना लिए थे और हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक चिकन का जो कलर है बिल्कुल ऑफ वाइट सा नहीं हो जाता। फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, या फिर आप इसे बिल्कुल फ्रेश कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद सारा मसाला जो था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब हमें मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इतना भुनेंगे कि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, हल्का सा ऑयल सेपरेट हो जाए और चिकन भी हमारा भुनते भुनते ही अच्छे से गल जाएगा। तो बोनलेस चिकन है, बहुत ही जल्दी से गल जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से इसे भून लेंगे हम 3-4 मिनट के लिए, और जब हल्का सा ऑयल सेपरेट होने लगे तो आप देखेंगे दही ने बहुत सारा पानी रिलीज़ करा है, उसे हम खुश करेंगे। तो हल्की आंच पर इसे ढक के रख देंगे 3-4 मिनट के लिए। फिर एक बर्तन में मैंने लिया था पानी, उसे अच्छे से गर्म कर लिया 1/2 टीस्पून नमक डालकर। जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो गया हम इसमें बॉईल करेंगे पालक। तो पालक को हमें यहाँ पर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए बॉईल आने तक कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो ये शामिल करने के बाद जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा बस गैस को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसके चलेंगे दूसरे प्रोसेस में। कुछ लोग यहाँ पर पालक चिकन बनाते हैं तो इसको पीस कर बनाते हैं, पर ये वाला जो मेथड है आप एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। बॉईल होने के बाद एक छन्ने पे हम इसे ले लेंगे और इसका जो सारा पानी है वो अलग करके इसे एक ठंडे पानी में शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रिज का चिल्ड पानी लिया था और पालक को इसमें ऐड कर दिया है। इस ट्रिक से क्या होता है कि जो पालक का कलर है वो बिल्कुल बरकरार रहता है, ग्रीन ग्रीन ही रहेगा और बिल्कुल भी काला नहीं होगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर चलेंगे चिकन की तरफ। चिकन अच्छे से टेंडर भी हो गया है और बहुत अच्छे से भुन भी गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सारा पालक जो मैंने, और पालक को इसमें शामिल करने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि पालक भी अपना पानी इसमें रिलीज़ करेगा। दही का भी अभी पानी बाकी है तो हमें इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो कच्चापन है पालक का वो भी ख़त्म हो जाए और जो सारा इसका पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी ये पालक चिकन बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। बस इसकी यही ट्रिक है कि आपको इसे बहुत अच्छे से भूनना है और बिल्कुल भी पानी इसमें ना रहे। तो मैंने पालक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके ढककर रख दिया था, क्योंकि पालक को भी हमें अच्छे से गला लेना है और फिर बस इसमें चमचा चलाते चलाते इसको अच्छे से भून लेंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। फिर इसमें शामिल कर लूँगी भुनाई करते करते 1/2 टीस्पून मैंने नमक और ऐड करा था और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करा है। नमक थोड़ा सा आप एहतियात से डालें क्योंकि पालक भी नमकीन होता है और फिर मैंने मसाले में भी नमक डाला था तो उसका आप ख्याल रखें। तो इसको भूनते भूनते मुझे तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए थे और मैंने इसे इतना भुना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो गया और ये आप देखें आप बिल्कुल ड्राई एकदम बना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन पालक बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पर पालक चिकन बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे और इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठों के साथ रिलीश कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी में फिर से मिलूंगी।